Respected teachers, welcome to all in my YouTube channel SS Learning Hub. Today, the video is about how to complete NISHTA modules on Diksha. Ji haan dosto, baar baar mujhe through phone calls, through SMS, through messages, teachers poochte hain ki kis tarah karna hai, yani how to do. Ab hume 10th of November se UT J&K ko जो निष्ठा ट्रेनिंग करनी है वो किस तरह करें, तो इस सब का मैंने सोचा कि बेहतर रहेगा अगर हम एक वीडियो के थ्रू सभी टीचर्स को अवेयर करें, थोड़ा टिप्स दें, तो मैंने इसी सिलसिले में ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप खुद ही सारे मॉड्यूल्स बिना किसी झिझक के कंप्लीट कर पाओगे। बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। इसलिए आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है निष्ठा मॉड्यूल्स, आपके साथ में शेयर करूंगा। आपके पास आपकी जो क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, क्यूरियस था आपके मन में कि किस तरह करें, तो उसका हल ये है स्टेप बाय स्टेप डेमोंस्ट्रेशन देखकर आपका जो क्यूरियस है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो ये यूट्यूब चैनल SS लर्निंग हब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आइंदा भी उम्मीद है कि मैं आइंदा भी बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा इसी के रिलेटेड। जम्मू कश्मीर SERT के माध्यम से हम तक ये ट्रेनिंग पहुंच रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट पे डिस्कस करना है, सबसे पहला जो है कि हाउ टू सर्च आवर कोर्स। उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, दीक्षा ऐप में जाने के बाद आप कोर्सेज बटन पे क्लिक करेंगे, आपके कोर्सेज आएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स के वहां होंगे। आपकी सहूलियत के लिए SER की टीम ने आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिंक अवेलेबल रखी है। 10th ऑफ नवंबर में के दिन लिंक अवेलेबल होगी 15 डेज के लिए। पहले 3 कोर्स होंगे, वो लिंक आपके फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर की जाएगी। इसलिए बेहतर रहेगा आप लिंक के थ्रू अपने जो आपका डिजायर्ड मॉड्यूल होगा उस पर डायरेक्ट पहुंचोगे। अगर उसके जरिए आप किसी तरीके से ना पहुंचे, तो आप अपने दीक्षा ऐप में भी यहां पे पहुंच पाओगे, वो मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। देन दूसरा जो है हाउ टू कंप्लीट सब टॉपिक्स, जो है कंप्लीटिंग ऑल सब टॉपिक्स, जो एक एक मॉड्यूल में बहुत सारे सब टॉपिक्स है, इनको किस तरह हम कंप्लीट वन बाय वन करेंगे। एंड लास्ट पे है, लास्ट पे जो है वो है कि डाउनलोडिंग सर्टिफिकेट्स, ये लास्ट पे आएगा, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। आइए हम दीक्षा ऐप में जाएंगे, यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएंगे। आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा, वहां पे आइकन्स बॉटम साइड में आएंगे। मैं लैपटॉप के थ्रू कर रहा हूं, तो यहां पे प्रोफाइल या कोर्सेज ऊपर वाली साइड में दिखाई देते हैं, बट मेन जो चीज है वो है हमें कोर्सेज देखने हैं। आपके बॉटम वाली साइड में मोबाइल में दिखाई देगा कोर्सेज, यहाँ पे आपको अपने कोर्सेज मिलेंगे। बट इससे पहले एंश्योर करना है कि जिस वाले प्रोफाइल से मैं ये कोर्स कंप्लीट करूंगा, इसी वाले प्रोफाइल से, इसी वाले यूजर आईडी से मुझे सारे 18 के 18 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं, और वही आईडी सही होनी चाहिए, क्योंकि मैं उनके लिए कहता हूं, उन हजरात के लिए जिन्होंने डबल एंट्रीज एंड ट्रिपल एंट्रीज की है, वो अपने सही वाले आईडी को ही यूज करेंगे बार बार। तो उसके बाद अगर हम लिंक के थ्रू आए, तो हमें कोर्स ढूंढने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, डायरेक्ट हम उस कोर्स पे पहुंचेंगे। अगर हम लिंक के थ्रू नहीं आए, डायरेक्ट हम यहां से भी कोर्स बहुत सारे लैंग्वेज में है, तो हम बेहतर रहेगा पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज ही, यहां पे मीडियम इंग्लिश ही करेंगे, तो हमें कोर्स ढूंढने में जल्दी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। टीचर कोर्सेज यहाँ पे हमें ढूंढने होंगे, या आप देख सकते हैं इसमें स्टूडेंट कोर्सेज पे है और टीचर कोर्सेज भी हैं, हमें टीचर कोर्सेज में ही ढूंढना होगा, और जो भी हो हमारा होगा आप यहां देख सकते हैं,
ये दिल्ली का है बट ये निष्ठा का नहीं है। निष्ठा लोग यहाँ पर ऐसा होगा जो भी कोर्स हमें होगा तो निष्ठा में जो कोर्स उस वक्त होगा एज पर शेड्यूल जो उस डेट पे आएगा जो हमें करना होगा हमें वही ढूंढना है क्योंकि इसमें और है एक तीन तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो बट इसके अलावा अगर हम व्यू ऑल करेंगे तो और भी मिलेंगे या एरो को इस तरह घुमाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स, अगर चाहिए दूसरे स्टेट का है दिखाने के लिए हम यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक किया है करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स। सबसे पहले मेरे मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन में ज्वाइन कोर्सेज वाला ऑप्शन आएगा ग्रीन में, यहाँ पे ज्वाइन कोर्स करेंगे देन यस परमिशन अगर आपके मोबाइल में आएगा तो आई एग्री करना है कि मैं शेयर करना चाहता हूँ अपनी प्रोफाइल डिटेल्स तो शेयर कीजिए कोई हर्ज नहीं। उसके बाद हम देख सकते हैं ये जो हमारा मॉड्यूल है करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स इसके बहुत सारे डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो मॉड्यूल ओवरव्यू इंट्रोडक्शन करिकुलम इंक्लूसिव क्लासरूम्स समरी पोर्टफोलियो एक्टिविटीज एडिशनल रिसोर्सेज एंड देन लास्ट पे क्विज। जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है हमें सब टॉपिक्स को कंप्लीट करना है तभी हमारे जो ये मॉड्यूल्स हैं हमारे कोर्सेज हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे 100% कंप्लीट करने हैं कोई हमें स्किप नहीं करना है। वो कैसे करेंगे वन बाय वन हम एक एक करके अपने मॉड्यूल्स को स्टार्ट करेंगे या यहाँ पर देखिए मॉड्यूल ओवरव्यू पहले जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके और दो मजीद सब टॉपिक्स निकले वन इज ऑब्जेक्टिव्स देन कंटेंट आउटलाइन। ऑब्जेक्टिव्स को हम ओपन करेंगे खाली हमें इसमें कुछ वीडियोस मिलेंगे या कुछ टेक्स्ट मिलेगा। जब मैंने ऑब्जेक्टिव्स क्लिक किया एक पेज का है ब्रीफली हमें खाली ये देखना है ऑब्जेक्टिव्स रीड करने हैं स्क्रॉल डाउन यहाँ पे एंड हो गया मेरा एक टॉपिक एंड हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप यहाँ देखोगे मॉड्यूल प्रोग्रेस यहाँ पर ही वन ऑफ टू कंप्लीटेड यानी जो पहले सब टॉपिक के दो पार्ट्स थे उसमें पहला पार्ट कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव वाला टिक यहाँ पर आप देख सकते हो। अब कंटेंट आउटलाइन बाकी है तो मैं अब यहाँ जाऊंगा दो में से एक कंप्लीट हो चुका है खाली मैंने देखना है यहाँ पर भी ये देखो आप एक ही पेज का है यानी एक पेज मुझे कंप्लीट करना है ये पढ़ना है। यहाँ पर मैं ये पढ़कर यहाँ पर ये भी ये कंप्लीट हुआ यहाँ देख लीजिए आप यू हैव कंप्लीटेड दिस मॉड्यूल यानी पूरा मॉड्यूल मगर नहीं हुआ खाली मैंने पहला टॉपिक उठाया था इसके दो सब टॉपिक्स थे दोनों पे टिक आई तो यहाँ पर ऊपर साइड में आप देखोगे नेक्स्ट मॉड्यूल यानी इसका जो दूसरा होगा सब टॉपिक इसके भी दो करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लास इसका एक वीडियो यहाँ से भी पता चलता है वीडियो वाला होगा ये हमें वीडियो सुनना है 6 मिनट का वीडियो है ये हमें देखना है। We at NCERT welcome you all teachers, teacher educators and all other stakeholders to NISTHA's training program. Tick mark we begin with the very first module then in this online training transmission. The title of this module is पूरा करना है and inclusive classrooms. ये मैं यहाँ पे रोक देता हूँ मैं पूरा मतलब मैं आपको पार्ट्स में दिखाऊंगा आगे आगे चल के मुझे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है मुझे इस बात का भी ख्याल है। तो यहाँ पे ये वाला वीडियो फिनिश हुआ ये फिनिश हुआ अभी एक सेकंड है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे मैं या तो मैं सबमिट का अगर मैं रेट इसको करूंगा जरूरी नहीं अगर ना करूं तो कोई हर्ज नहीं इस पर क्रॉस दूंगा
यहाँ आप देखोगे यहाँ पे भी आया वन ऑफ टू कम्प्लीटेड, यानी दो में से एक कम्प्लीट हो चुका है। जो मैंने दूसरा सब टॉपिक, पहला टॉपिक मैंने खत्म किया उसके दोनों पार्ट, अब दूसरे का मैंने एक किया। इसके बाद इसका एक टेक्स्ट वाला पोर्शन और एक है, यहाँ आप देख सकते हो ये टेक्स्ट पेज दो पेजेस पे मुश्तमिल है। मैं इसको भी रीड करूंगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इसी में लास्ट पे क्विज आने वाला है। जब मैंने एक बार ये रीड किया, यहाँ पे आप ये निशान देख सकोगे, यू हैव कम्प्लीटेड दिस मॉड्यूल, दो इसके दो भी कम्प्लीट हो गए। देन नेक्स्ट, और मुझे नेक्स्ट करके आगे जाना है। अगर हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं है, अचानक कोई इमरजेंसी काम मुझे आ गया, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी टाइम करोगे, आप एक घंटे के बाद भी कर सकते हो, एक दिन के बाद भी कर सकते हो, जब मर्जी आप करोगे, बट आपने जो आपका टाइम होगा, जितने दिनों में आपको कंप्लीट करना होगा एज पर शेड्यूल, उन्हीं दिनों में अवेलेबल रहेगा ऑनलाइन ये आपका मॉड्यूल, आप उन दिनों में कर सकते हो। तो हमारे पहले दो टॉपिक्स उनके सब टॉपिक समेत फिनिश हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने दो टॉपिक्स मुकम्मल तौर फिनिश किए हैं, और प्रोग्रेस जो यहाँ पे हम देख सकते हैं 14% कम्प्लीटेड, हमने 14% कम्प्लीट किया। हम अगर चाहे तो बैड में कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम है, कन्वीनियंस है, तो हम अभी करेंगे, कोई मुश्किल नहीं, हम इसी वक्त भी कर सकते हैं, यहाँ बैड में कर सकते हैं जब हमें टाइम मिले। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम तक करना है, आपको कंटिन्यू करना है जब भी आपको ठीक लगेगा। आप यहाँ भी देख सकोगे ठीक दो मॉड्यूल्स पे आया, यानी ये हमारे कम्प्लीट है, हमें आगे जाना है। कैलकुलम वन बाय वन हम इसी तरह करके एक एक करके सब देखेंगे। तो हम इसी तरह एक एक करके सभी मॉड्यूल सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। इसके सब टॉपिक्स किसी के दो होंगे, किसी का एक ही होगा, वो भी कंप्लीट करेंगे, इनमें टिक मार्क आएगा, और अपनी प्रोग्रेस भी यहाँ पे दी होगी कितने परसेंट हमने कंप्लीट किया है। एंड देन लास्ट पे हम क्विज पे जाएंगे और देखेंगे क्विज क्या है, इसी में होगा, इसी के रिलेटेड। यहाँ भी दो टॉपिक्स निकले, कैलकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम असेसमेंट। असेसमेंट में हम जाएंगे, यहाँ पे असेसमेंट होगा, कोई डरने की बात नहीं, इसमें कोई पास या फेल नहीं होगा, बट एक फीडबैक रहेगा कि हमने जो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है कितने टीचर्स को ये समझ आया है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 defines inclusive education as a system of education wherein students with and without disability. Question ऊपर है और नीचे इसके चार options हैं। हम चार options को पढ़ेंगे अच्छी तरह, कोई time नहीं है कि आपको एक minute में देना है, 15 seconds में देना है, कोई time नहीं है, आप ठीक तरीके से पढ़ोगे और जो आपको लगेगा, जैसे मैं यहां दूंगा, लर्न टुगेदर एंड द सिस्टम ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग इज स्टेबली एडॉप्टेड। उसके बाद मुझे एरो पे जाना है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। देन राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आरटीई एक्ट वाज इनएक्टेड एंड केम इनटू फोर्स इन द ईयर, किस ईयर में हुआ है मुझे देना है। इसमें दिया गए चार ऑप्शंस, आप खुद देखोगे, आपने पढ़ा होगा, इनएक्टेड इन द ईयर 2009 एंड केम इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 10, मुझे लगता है ये होगा, आप अपने हिसाब से दोगे, जरूरी नहीं है कि मैं सही होगा। तो ऐसे आपको तीसरा क्वेश्चन आएगा और वन बाय वन आपको आगे जाना है। मैं स्किप करके आगे जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक बारी अगर आपने कोर्स आधा छोड़ा है, उसके बाद आप एक घंटे के बाद या एक दिन के बाद दूसरी बार आए, तो माई कोर्सेज वाला ऑप्शन पे जरूर जाएगा, आपके कोर्सेज वहां होंगे जहाँ आपने छोड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम में कर रहा था, मैंने कंप्लीट किया है वो, यहाँ मैं देखूंगा प्रोग्रेस, देखिए 100% कंप्लीटेड, मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी किए हैं, इसमें सारा कुछ कंप्लीट किया है, क्विज भी किया है, लास्ट पे इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो सारा मैंने इसमें किया है।
तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही करना है, यानी वन बाय वन करके वीडियोज अगर आएंगे वो भी देखने हैं, अगर आपके टेक्स्ट आएगा तो वो पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, दूसरे स्टेप पे जाना है, दूसरे टॉपिक पे जाना है और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान रहेगा, बिल्कुल कोई मशक्कत नहीं करनी है ज्यादा, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ना कोई स्ट्रेस वाला चीज है। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट में लिख के वो क्लियर कर सकते हैं, आपका वेलकम किया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और मजीद चाहते हो कि मजीद आइंदा आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाता रहूंगा, तो कमेंट में लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।